आज देश के 15 राज्यों में मानसूनी बारिश होने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 30 अगस्त यानी आज उड़ीसा और तटीय कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश से लेकर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने इसे देखते हुए इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ, केरल और माहे तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन इलाकों के लिए IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने आज उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, गोवा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की उम्मीद जताई है। इसके अलावा बात करें दिल्ली NCR की, तो NCR में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने या बौछारें पड़ने की उम्मीद है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में आमतौर पर आज मौसम के साफ रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही बिहार में कुछ जगहों पर जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विनभद्र में अलग अलग जगहों पर बिजली चमकने के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक आज अरब सागर के उत्तरी हिस्सों में यानी गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल तटों, लक्षद्वीप इलाके, मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका तट के पास तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में, मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों और उत्तर पश्चिमी के दक्षिणी हिस्सों और आसपास के उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटों, उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर भी हवा की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटे से 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने और उसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँचने के साथ तूफानी मौसम होने की संभावना है। IMD के मुताबिक आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कई हिस्सों, सोमालिया, यमन, ओमान तटों के साथ साथ पश्चिम मध्य के अधिकांश हिस्सों में 45 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है, जो बढ़कर 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। गुजरात तट और उससे सटे पाकिस्तान तट और उससे सटे उत्तर पूर्व और पूर्व मध्य अरब सागर के साथ साथ 55 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है, जो बढ़कर 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। गुजरात तट के दूर उत्तर पूर्व अरब सागर में 85 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है, जो बढ़कर 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। मछुआरों को इन इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।